क्या नाम है और कहाँ से? जी मेरा नाम अब्दुल्ला हद है, सना वली मोहम्मद है, मैं यहाँ बमडोगर का रहने वाला हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? जी मेरा आया हुआ है, नाम लिस्ट में आया हुआ है, ये उसका है आईडी नंबर आया हुआ है, लेकिन आजकल कर रहे हैं दे नहीं रहे, कभी क्या बहाना बना रहे हैं, कभी क्या बहाना बना रहे हैं। एडीसी साहब के पास भी गए, हर जगह हम गए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। कभी कहाँ हमें भेज देते हैं, कभी कहाँ जो हमारा खर्चा करवाना था हद से ज्यादा उन्होंने खर्चा करवाया। लेकिन अब कर एक महीना पहले मैं फिर इनके पास गया और ये कहने लगे कि आपका केस आ गया है, हम आपको देंगे। अब फिलहाल दो दिन पहले मैं इनके पास गया, अब कह रहे हैं कि आपका केस डिलीट हो गया। मुझे नहीं समझ आ रही, अगर एक साइड से आया डिलीट कैसे हो गया? ये पैसा खा के और किसी को दे रहे हैं, क्या बात है? हम गरीबों के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? हालांकि हमारे हालात देखे जाए, यहाँ का मौका किया जाए, अगर हम जिनवन है तो हमें दे, अगर नहीं है तो फिर हम नहीं मांगेंगे। ये मौका करें, देखे एक एक मकान में तीन तीन चार चार घर हैं, बिल्कुल लकड़ी के मकान, बोसीदा मकान हो चुके हैं ये। इस मकान का हाल आपने देखा, वैसा ही हाल सब मकानों का है, सब यहाँ गरीब। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी क्या गुजारिश है एलजी गवर्नमेंट से? मेरी एलजी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि वो इसका मौका करें, वो देखें अगर जेन्युइन है तो दे हमें। इस वक्त दो साल से हम इनके पीछे चल रहे हैं, आजकल करते करते यहाँ तक इन्होंने हमें पहुंचाया। अब कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा, अब आप एससी में हो एसटी में हो, कभी क्या बहाना करते हैं, और इसलिए ये नहीं दे रहे हैं। आपका मानना है कि असर रसूख वालों को दे रहे हैं? असर रसूख वालों को दे रहे हैं, पैसे वालों को दे रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारे पैसा है ना कोई, हमारी कोई सुनता ही है। मैं उच्चर का रहने वाला हूँ, उच्चर बमडोगरे की हल्का। सर हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, 2011 में आई वाई की लिस्ट भेजी गवर्नमेंट ने, जिसमें सब लोगों की सर्वे हुई। उससे बाद आज 12 साल हो गए, अगर 12 साल में 12 बीडू यहाँ तब्दील हो गए तो सर्वे ही करते गए। वो किसी ने ये नहीं बोला ये नहीं आता है, वो आता है, वो नहीं आता है, वो आता है। जब लिस्ट पास हुई तो इन लोगों को अपना हक लेने का टाइम आया, तो कभी किसी ने बोला आपने लिया है, कभी किसी का बोला आपको मिलता नहीं है, कभी किसी ने बोला इनका डिलीट हो गया है। अगर ये केस गवर्नमेंट के आए हुए डिलीट हुए तो वो डिलीट कॉपी हमें क्यों नहीं मिली गवर्नमेंट से? अगर मैंने लिया था मेरी कॉपी आती कि मैं शांति बैठ जाता। अगर पैसे वाले को केस दिया गया, गरीब को कोई पूछता नहीं है। आज हमें 12 सालों के इन केसों के पीछे पड़े हैं, कभी हमसे तहसीलदार के साथ भेजते हैं, कभी SHO मागम के पास हम लिख कर लाते हैं, कभी DDC से लाते हैं, कभी DC साहब से लाते हैं। पिछली बार DC साहब ने आर्डर निकाली कि आप, मैंने टीम निकाल ली है, नायब तहसीलदार साहब, VLWO, BDO, DDC सब से लाओ, लिख कर हम आपके केस देंगे जनाब। जब गवर्नमेंट के जो मुलाजम हैं, जो बड़े नेते हैं, वो इन गरीबों को नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर आज इनका काम हो गया कल वोट नहीं देंगे, या हमारे को ये मजदूरी करने नहीं आएंगे। आपके पास आज BDC है, DDC है, उनके पास गए आप लोग? सर उनके लिखे हुए हैं ना, हम उनके से जाके उनके सर्टिफिकेट लाए हैं, सीलें डाल के लाए हैं। SHO मागम ने भी सील डाली है कागज पे। अगर हमने सबसे कागज बना के लाए, ब्लॉक में पहुंचा, इन्होंने कहा डिलीट हो गया। सर अगर ये पहले ही डिलीट, हमारा हक नहीं बनता था तो 12 बीडू चोर तो नहीं थे ना?